वेलकम टू देसी पटाखा। एज ऑलवेज मैं हूँ आराधना आपके साथ। दोस्तों, बिग बॉस के घर में शहनाज गिल एक ऐसी कंटेस्टेंट जिन्होंने अपने एंटरटेनिंग अंदाज से दर्शकों का दिल जीता, दर्शकों का प्यार जीता। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन घर के अंदर शहनाज कुछ कपड़े जो लेकर आई थी वो उनको कम पड़ गए। हम आपको बता दें कि ये कंटेस्टेंट घर के अंदर जो कपड़े लेकर जाते हैं वहाँ पर उनको धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, और हाथ से ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है तो ये नहीं धोते। जो अपनी ज़रूरत के इनके कपड़े होते हैं, जो इन्हें डेली मर्रा की लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें शायद ये धो लेते हैं, लेकिन जो इनके बाकी ऊपर के कपड़े होते हैं उनके लिए ये उन कपड़ों को वापस घर भेज देते हैं, और वो घर से वापस से लॉन्ड्री होके या डिज़ाइनर क्लोथ वापस इनके लिए नए आते हैं। और ऐसा ही हर सेलिब्रिटी के साथ होता है। लेकिन शहनाज जो कपड़े लेकर आई थी वो कपड़े जल्दबाजी में थोड़े कम लेकर आई थी, और यही वजह रही कि घर के अंदर जहाँ बाकी सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए देखा गया तो शहनाज के कपड़े काफ़ी सिंपल रहे। लेकिन अब कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, एक दो दिन से शहनाज बहुत ही अच्छे से, कल भी उन्होंने बहुत अच्छा सा एक गाउन पहना हुआ था इंग्लिश पिंक कलर का, विच वॉज लुकिंग वेरी गुड, इट हैड अ प्लेट्स ऑन दी लोअर एरिया, और उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी शहनाज। और ऐसा कई बार बोलने में सुनने में मिला कि शहनाज ने खुद भी बोला कि मुझे कपड़ों की कमी हो रही है। रश्मि और शहनाज के बीच में उनके कपड़ों को लेकर जब शहनाज ने रश्मि से वीकेंड का बाद उनके कपड़े ले लिए थे तब भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। देवोलीना ने काफ़ी ज़्यादा बोला था कि रश्मि तुमने अपने कपड़े क्यों लिए, क्यों दिए उसको, तुम्हें नहीं देने चाहिए थे, और वो तुम्हारे बारे में बोल रही है, इतना कुछ काफ़ी ज़्यादा हुआ था। जब शहनाज को काफ़ी हर्ट भी हुआ था, अभी हमने पहले देखा कुछ दिनों पहले शहनाज पारस के नाइट सूट पहन के घूम रही थी, जिसमें बोल रही थी कि मुझे इसमें पारस की प्रेगनेंस आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब दोस्तों फाइनली बिग बॉस के मेकर्स ने और शहनाज के घर वालों ने इस चीज़ की वजह से काफ़ी परेशान थे, उनको बार बार बोला गया कि शहनाज के लिए कपड़े भिजवाइए। और अब फाइनली माही गिल, जी हाँ, जय भानुशाली की वाइफ माही गिल अब शहनाज के लिए कपड़े डिज़ाइन करने वाली हैं और उनके लिए कपड़े भेजने वाली हैं। वीकेंड के बाद में जब माही गिल आई थी तब उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज को सपोर्ट किया था। माही गिल का टेस्ट खुद भी बहुत अच्छा है, वो शहनाज के लिए, जाहिर सी बात है वो शहनाज को पसंद करती है तो काफ़ी अच्छे कपड़े भेजेंगी। लेकिन दोस्तों शहनाज का ये नया अवतार देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब शहनाज एक ग्लैमरस डीवा के रूप में आपको नजर आने वाली है। जहां बाकी सेलिब्रिटीज इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रही थी, इतने स्टाइलिश क्लोथ पहन रही थी, स्पेशली आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ माहिरा। माहिरा के कपड़े जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टाइलिश होते हैं घर के अंदर। माहिरा अपने आप को कैरी करना सच में जानती है, किस तरह से करना है, और पर्सनली मुझे उनका ड्रेसिंग सेंस घर में बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले काफी पसंद है। देवोलीना का पहले काफी अच्छा था, लेकिन अब देवोलीना कुछ दिन से घर के अंदर नहीं है, देवोलीना की प्रॉक्सी लगा रहे हैं विकास गुप्ता। लेकिन आपको कौन सा कंटेस्टेंट घर में सबसे ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स हियर, औरतों में, लड़कियों में सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक अपडेट जानने के लिए देसी पटाखा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइस।